नमस्कार, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट सर्च टाइम यानी कि NST क्या है और इसे कैसे सेट करें। मान लो कि आपके यहाँ सुबह 5 बजे से 10 बजे तक पानी आता है, तो एक्वा फाइंडर आपकी मोटर को 5 बजे ऑन करेगा और 1 मिनट के बाद चेक करेगा कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 1 मिनट बाद टंकी में पानी आना शुरू हो जाता है तो एक्वा फाइंडर मोटर को कंटिन्यू ऑन रखेगा और टंकी फुल होने पर ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। अगर पानी नहीं आया तो मोटर को ऑफ कर देगा ताकि आपकी मोटर सूखी ना चले, और फिर 20 मिनट बाद दोबारा से मोटर 1 मिनट के लिए ऑन करके पानी चेक करेगा कि आ रहा है या नहीं। इस 20 मिनट के टाइम को हम NST यानी कि नेक्स्ट सर्च टाइम कहते हैं। डिफ़ॉल्ट NST एक्वा फाइंडर का 20 मिनट है, जिसे हम 7 मिनट से लेके 58 मिनट तक सेट कर सकते हैं। एक्वा फाइंडर में हमें NST टाइम मिनट्स में सेट करना होगा। इस वीडियो में हम 2 एग्जांपल के द्वारा आपको NST सेट करके दिखाएंगे। पहली बार हम इसे डिफ़ॉल्ट टाइम 20 मिनट से 30 मिनट पे सेट करेंगे और दूसरी बार हम इसे 7 मिनट पे सेट करेंगे। अब मेन्यू स्विच को दबाकर सेटिंग मोड में एंटर करें और फिर मेन्यू स्विच को 6 बार दबाकर सेट NST टाइम सेटिंग पे ले आएं। क्योंकि हमने इस बार सेट सर्च टाइम नहीं चेंज करना था, इसलिए हमने उसको नो कर दिया है। NST टाइम को हम चेंज करना चाहते हैं तो यस करके आगे बढ़ें। अब देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट NST 20 मिनट का सेट है। इसको हम तीसरे स्विच की मदद से 30 मिनट करके ओके करने के लिए मेन्यू दबा देंगे। मेन्यू दबाते ही मेन स्क्रीन आ गई, इसका मतलब NST चेंज हो गया है। चलिए अब हम एक बार और NST सेट करके देख सकते हैं। इस बार हम NST को 7 मिनट पे सेट करेंगे। जिन घरों में पानी बहुत कम टाइम के लिए आता है, जैसे 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, उन घरों में हम रिकमेंड करते हैं कि NST टाइम से को कम रखा जाए। हम इसको 7 मिनट पे रख सकते हैं। अगर NST ज़्यादा होगा, जैसे 20 मिनट या 30 मिनट, तो ये हो सकता है कि जब वो पानी सर्च करने लगे तब आपका पानी के टाइमिंग्स ही ख़त्म हो जाएं, इसलिए उसको कम रखें, 7 मिनट रखें।